इस घंटे में भी जो हमारे अथॉरिटीज है आप सामने ऐसे बात करें, मैडम को बोलने नहीं दे रहे आप। आप इनको जवाब दीजिए, आप बता रहे हैं कि मीडिया अंदर नहीं आएगी, क्यों नहीं मीडिया अंदर आएगी? डेमोक्रेसी का फोर्थ फ्लोर हम ये था कि कल हमारे पास 11:30-12 के आसपास मुझे फोन आया कि देयर वॉज अ पर्सन हु वॉज ड्रग एडिक्ट और वो कुछ ड्रग्स को ढूंढ रहा था हमारे वार्ड्स में आके। तो जब उसको ड्रग्स वो प्रोवाइड नहीं की गई, कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ड्रग्स जो होती हैं वो हम नहीं दे सकते हैं, जो मतलब जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, इवन हॉस्पिटल को भी लाइसेंस लेना पड़ता है, बिकॉज वो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सिडेटिव भी होती हैं और जो जिसकी एडिक्शन भी होती है, लेकिन वो मेडिसिन पर्पज के लिए भी यूज़ होती हैं। अब क्या होता है कि जब इनको लगता है कि हॉस्पिटल इज़ द प्लेस वेयर दे कैन गेट इट ईजीली, वो क्या करते हैं खुद से ही पर्ची कटवाते हैं और पर्ची पे खुद ही लिख देते हैं उस दवाई का नाम। ठीक है, वो आया, उसने पर्ची लेके वो हमारे सीधे यहाँ पे इमरजेंसी रूम में घुस गया। ठीक है, वहाँ पे वो डॉक्टरों के ऊपर लगा चिल्लाने कि मुझे ये दवाई दो। उन्होंने कहा पैरासीटामोल दे दो अगर आपको दर्द हो रही है तो। ही डिडंट हैव एनी मार्क ऑफ इंजरी, नथिंग, कुछ भी नहीं था, बट ही वॉज वेरी हाइपर। तो उसके बाद कहा कि ये पैरासीटामोल, डॉक्टर साहब मैं एक को पैरासीटामोल का पता है, मुझे पैरासीटामोल ही चाहिए, मुझे ट्रेमेडोल ही चाहिए। उन्होंने कहा ट्रेमेडोल हम ऐसे नहीं दे सकते। देन ही कॉट ऑफ वन ऑफ द डॉक्टर्स और उसकी शर्ट फाड़ दी। उसके बाद क्या हुआ, हमारी सिक्योरिटी आई, सिक्योरिटी को उसने पीटना शुरू कर दिया। मतलब वो इतना हाइपर था कि अब क्या होता है कि ये जो एडिक्ट्स होते हैं दे कैन डू एनी थिंग, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ये तब इनको माँ बाप भी नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि हमने देखे एडिक्ट्स किस तरह के होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हमने चौकी पुलिस को बुलाया। जब चौकी से पुलिस वाले चार पुलिस जो उन्होंने कॉन्स्टेबल्स भेजे, उसके चारों के कंट्रोल में भी वो नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली जो हमारे SHO साहब थे ही केम हिमसेल्फ पर्सनली और फिर 5-6 लोगों ने पकड़ के उसको चौकी में लेके गए। अब हमारे डॉक्टर्स की ये मांग है कि दे शुड बी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, क्योंकि ऐसा होता है कि तरह तरह के लोग हमारे पास अटेंडेंट्स आते हैं और सब क्या करते हैं कि एक देखो हमें जब पेशेंट देखना होता है हमें प्रायोरिटी बेसिस पे देखना होता है। एक पेशेंट हमारे पास सिक आता है, एक पेशेंट थोड़ा स्टेबल होता है, तो हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम पहले सिक पेशेंट को पहले देखें। कल 1 बजे रात से पब्लिक सफर हो रही है जो इलाज करने यहाँ पे आए हैं। हाँ बच्चे, तो अगर उनमें से कोई मर जाता है, कोई बड़ा हादसा किसी के साथ, उसका जिम्मेवार क्या जीएमसी? सुबह तक जो भी पेशेंट आया वो ट्रीटेड है। इस घंटे में भी जो अथॉरिटीज है आप सामने ऐसे बात करें, मैडम को बोलने नहीं दे रहे आप। आप बता रहे हैं कि मीडिया अंदर नहीं आएगी, क्यों नहीं मीडिया अंदर आएगी? डेमोक्रेसी का फोर्थ फ्लोर हम लोग मीडिया नहीं आएगी, क्यों नहीं मीडिया आएगी? हम लोगों के साथ जुड़े हुए हॉस्पिटल से चलकर है, हम लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं। आई ट्रीटेड देम एम्बुलेंस ने फोन नहीं उठाया और मैं अभी कॉलेज से, मेरा फ्रेंड मतलब कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और अभी भी अंदर पैसा पड़ा हुआ ना पर्ची की। पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी, अगर वो बंदे ने गलत बदतमीजी की डॉक्टरों के साथ वो अंदर हो गया था, हाँ। अभी मेरा भाई मर जाता, हाँ। कौन जिम्मेवार था? अगर वो अंदर हो गया डॉक्टर आने चाहिए था ना। बोले कितने बजे आया? 1.5 घंटा हो गया। जरा डेढ़ घंटा।